गुना जिले के ग्राम उमरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन शिक्षक के खिलाफ स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों में काफी रोष है। आपको बता दें कि उमरी हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रभार पहले शिक्षक सीताराम बघेल पर था, जो कि अब नवीन शिक्षक उमाशंकर जोशी को आदेशित कर दिया गया है, लेकिन यह शिक्षक पहले से ही विवादित रह चुके हैं। साथ ही शिक्षक के खिलाफ पहले ही विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिली थी, जिनमें ठीक ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए दबाव डालना, ऐसी अन्य बातें सामने आई थी। साथ ही इस संबंध में स्कूल प्राचार्य और सरपंच को अवगत कराया गया था और इनकी जांच में शिक्षक उमाशंकर जोशी को दोषी भी पाया गया था, मगर शिक्षा विभाग द्वारा दोषी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका अभिभावकों को बेहद खेद है। इसलिए अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। हमारे छोटे भाई बहन उमरी हाई स्कूल में पढ़ते हैं जी, तो उनके द्वारा हमको पता पड़ा है कि उमरी हाई स्कूल में श्री सीताराम बघेल सर जो कि प्राचार्य थे, उनको हटाकर श्री उमाशंकर जोशी को बनाया गया है जी, जो कि बच्चों के द्वारा पता पड़ा है कि वह दोषी पाए गए थे। शिक्षा विभाग को भी यह रिपोर्ट बताई थी, तो उनकी जाँच में भी श्री उमाशंकर जोशी जी दोषी पाए गए थे, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनको ही प्रचार का भार दे दिया। इसी खबर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गुना से। तो प्रभात सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो पूरा मामला क्या है, जहां पे शिक्षक के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, शिक्षक पहले से दोषी पाया गया है, तो क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। शिक्षक के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, शिक्षक पहले से दोषी पाया जा रहा है, ये सरकारी स्कूलों का मामला आ रहा है जहाँ पे बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए बोल रहा है शिक्षक, तो पूरा मामला क्या है, विस्तार से ये मामला समझाइए जी। ये मामला ताजा मामला है, यह गुना जिले के उमरी का है। ये यहाँ पर एक विवादित टीचर को, जो पहले से ही विवादों में रहा हुआ है, उसको शिक्षा विभाग से फिर से क्या बोलते हैं अनुमति मिल गई है, अपने क्या बोलते हैं पुराने क्या बोलते हैं शिक्षक को हटा करके, और इसकी क्या बोलते हैं अभिभावकों ने बहुत सारी क्या बोलते हैं इसकी क्या बोलते हैं निंदा भी की है कि क्यों विवादित शिक्षक को हमारे छात्रों के ऊपर फिर से थोपा गया है जी। तो शिक्षक के खिलाफ क्या क्या कंप्लेन की है अभिभावकों ने? मुस्कान, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। प्रभात, आप सुन सकते हैं? अभिभावकों ने सभी ने मिलकर के कलेक्टर को, जिसमें पूर्व जनपद सदस्य और पूर्व सरपंच ने भी मिलकर के कलेक्टर ने आदेश दिया है, उनको बोला है कि आप के माध्यम से कि शिक्षक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, हमारे बच्चों के भविष्य का ना खिलवाड़ किया जाए, और जिस तरीके की वो नीतियां अपनाते अपनी बच्चों को ना पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूल में भेज करके, इसके खिलाफ भी उन्होंने क्या बोलते बोला है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ में क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षक के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थी, तो ये क्यों शिक्षा विभाग कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि पहले भी मामला मतलब देखा गया था, लेकिन अभी तक सब शांत है जी। हम उस खान पहले भी ये शिक्षा विभाग के अधिकारी सिसोदिया जी से बात हुई थी, 6 माह पूर्व सारे अभिभावक उनसे भी मिलने गए थे, उन्होंने भी जांच में पाया गया है कि वाकई में शिक्षक उमाशंकर जोशी जो है वो विवादित रहे हैं, बच्चों से पुड़िया पाउच गुटखा वगैरह मंगाते हुए उन्हें पाया गया है, और भी अन्य इनके साथीगण हैं जो इसी तरह की कार्य प्रणाली में नियुक्त वहीं पर क्या बोलते लिप्त हैं, सभी के लिए क्या बोलते हैं इस तरीके के जो मौखिक तौर पर आदेश दिया गया था कि आगे से कुछ ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए, लेकिन फिर भी पूर्व शिक्षक को बचा, जिनका नाम पूर्व शिक्षक अपने सीताराम जी को हटा करके नवीन शिक्षक उमाशंकर जोशी को लाया गया जो कि विवादित थे, ये अब अभिभावक गणों ने पूर्व सरपंच ने फिर से बोला है कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम अपने बच्चों से फिर से क्या बोलते हैं कलेक्टिव को ज्ञापन देंगे और शिक्षा विभाग अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले मौखिक रूप में सब कुछ एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन अब लिखित रूप से भी अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, तो इसमें क्या कलेक्टर का कोई बयान सामने आया है,
कब तक ये एक्शन मोड में आएंगे ये शिक्षकों को बताने के लिए? कलेक्टर का कोई बयान सामने नहीं आया। कल सैटरडे था, हॉलीडे था, तो शिक्षा विभाग अधिकारी से मिलने भी गए थे तो वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई जी। और भी अन्य क्या बोलते हैं जितने भी टीचर से भी मुलाकात करने का बोला तो उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई सैटरडे के बीच जी। मामले की पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद प्रताप।